हमारे साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी जी, जातिगत जनगणना को लेकर काफ़ी राजनीति हो रही है, लेकिन जब सरकार बनी उससे पहले मई में आपने साफ तौर पर अल्टीमेटम दिया था कि बिहार में जातिगत जनगणना नहीं होगी तो आप पटना से दिल्ली पैदल मार्च करेंगे। उसके एक दिन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुलाते हैं, क्या वहीं पर बात बन गई क्या? देखिए, हम लोगों की जो लड़ाई है ये शुरुआत से ही रही है, चाहे सड़क हो चाहे सदन हो। और जब ये बात आई थी, जब केंद्र सरकार ने नकार दिया था कि चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा की वो नहीं कराएंगे, तो जो हमारी जो विचारधारा है, जो पार्टी लाइन पे हम लोगों का, और उस समय विपक्ष के नेता भी थे, तो विपक्ष में रहते हुए जो अपना जो काम है वो हमने किया। और उस समय मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद भी देते हैं, बड़प्पन था उनका कि ठीक इमिडिएटली जो है उन्होंने एक्शन लिया। और जब हम लोग सरकार में बने तो हम लोगों का फर्ज बनता था कराने का, जो हम लोगों का कमिटमेंट था, तो उस चीज़ को जो है हम लोगों ने कराया है माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। लेकिन आप उस समय नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, और इसको लेकर एक तरह से देखा जाए, जिस तरह आगे आप रहे, फिर मीटिंग हुई, सर्वदलीय बैठक हुई, आप लोग प्रधानमंत्री से मिले, तमाम चीज आप अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि मानते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ही थे ऐसे व्यक्ति कि पहले उन्होंने इस चीज़ को, इस आवाज़ को उठाया? देखिए, उस समय विपक्ष के नेता होने के नाते जब केंद्र सरकार ने मना ही कर दिया, और ये जब हमने आवाज़ उठाई थी, इससे पहले दो बार जो है सदन में सर्वसम्मति से पास होकर के केंद्र को भेज दिया गया था 19 में और 20 में, और ये जो है उसके बाद जो है हम केंद्र सरकार ने जब जवाब दिया पार्लियामेंट में कि वो नहीं कराएगी, तब इस बात को हमने उठाया था, एक्शन लिया था। तो इस बात को तो भाई उस समय की जो भूमिका थी, नेता विरोधी दल की भूमिका थी, तो उस चीज़ के लिए हम लोग प्रतिबद्ध थे कि मुद्दा उठाना है, और ये हम लोग चाहते थे, हम लोगों की मांग है। और शुरुआत से ही चाहे लालू जी हों, मुख्यमंत्री, सब लोग तो चाहते थे हो, लेकिन बीजेपी जो है वो नहीं चाहती थी, केंद्र सरकार नहीं चाहती थी, तब हमने ये बात जो है कही थी, तभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि भाई ये होना चाहिए। और उनका बड़पन था, सब चीज़ देखते हुए सारा चीज़ जो है, अब सरकार में आए तो एक टाइम बाउंड के अंदर उनके नेतृत्व में सारा हम लोगों ने काम किया। ये जब इसका रिपोर्ट जारी हुआ तो प्रधानमंत्री अपने भाषण में तमाम चीज़ों को बोले, जेपी नड्डा पटना आते हैं, वो बयान देते हैं, तमाम बीजेपी के नेताओं का बयान आ रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? अरे कोई मतलब नहीं है। अरे भाई, अभी फिर जो बैठक हुई थी अभी कुछ दिनों पहले, मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था ऑल पार्टी मीटिंग, तो सब लोग तो उसमें थे ही ना, सब लोग अपने राय को दे रहे थे, और सब लोग जो हैं कह रहे थे कि अच्छा हुआ, अंदर कुछ बोलते हैं, बाहर बीजेपी के लोग कुछ और बोलते हैं, बिहार राज्य के बीजेपी कुछ और कहती है, केंद्र के नेता इनके कुछ और कहते हैं। हालांकि अड़चने बहुत डाली गई कि ये काम ना हो, वो तो अब हर लोग जानते हैं कि बीजेपी नहीं चाहती थी ये काम हो, तो कौन क्या नेता के कहता है क्या नहीं कहता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन किसी भी सरकार के लिए साइंटिफिक डेटा कि भाई आपको पता होना चाहिए कि आपकी आबादी की स्थिति क्या है, किस हाल में है, कौन लोग हैं, कौन से जातियों में गरीबी है नहीं है, तो इसमें तो आर्थिक शैक्षणिक सारी चीज़ें व्यवस्था जो है इस सर्वे में जो कराया गया है। अब पता चलेगा कुछ दिनों बाद रिपोर्ट आएगा तो भाई कौन लोग जो हैं भूमिहीन हैं, कौन लोग जो हैं भीख मांगते हैं, कौन लोग दिहाड़ी मजदूर हैं, कौन लोग एक कमरे में रहता है, कौन लोग दिहाड़ी मजदूर है, कौन लोग रिक्शा चलाते हैं, कौन लोग नाला साफ करते हैं, हर जात में गरीबी, और सब जात को लेकर के चलना, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अति पिछड़ा हो, चाहे दलित महादलित के लोग हों, या अपर कास्ट में जो गरीब लोग हैं, सब लोगों के लिए योजनाएं बनेंगी। लेकिन रविशंकर प्रसाद जिस तरह बोले कि नहीं गलत है, उनके यहाँ नहीं पहुँचे, उपेंद्र कुशवाहा बोले गलत है, जिस तरह मांझी बोल रहे हैं कि गलत है, तो ये बीजेपी की सहयोगी तमाम पार्टियाँ कह रही हैं कि गलत है, तो क्या कहेंगे वो? बीजेपी मतलब क्या है? नकारात्मक लोग हैं ये लोग, तो आप कह दीजिए ना प्रधानमंत्री जी को, देश भर में करा दें,
कोई रोका है। बात यह है कि ये लोग चाहते नहीं थे। अब नाउ वी हैव अ साइंटिफिक डेटा, वी हैव अ रियल पिक्चर, वी विल वर्क अकॉर्डिंगली। तो इनको मरोड़ आ रही है, जो शोषित वंचित समाज है उसको मुख्य धारा में लाना लड़ाई है। तो इसलिए हम लोगों की जो लड़ाई रही है किसी के खिलाफ नहीं है। जो जात में जो खाई की दूरियां आ गई थी, ये उसको कम करने के लिए है। सबको बराबरी का मौका मिलना चाहिए, यही तो है लड़ाई। कई नेताओं के क्षेत्र बदल जाएंगे, कई राजनीतिक पार्टियों की राजनीति बदल जाएगी, इसको लेकर साफ तौर पर अब देखा जाए। नहीं, पॉलिटिक्स अलग जगह पे है, लेकिन जो जिसका हक है वो तो मिलना ही ना चाहिए, और सब लोगों को कब मिलेगा। तो आपके नेतृत्व में तमाम चीज़ें हुई, मानते हैं ना क्रेडिट आपको मिलना चाहिए? क्रेडिट से कोई लेना देना नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और महागठबंधन की सरकार ने कराया। सभी लोग और सब पार्टी के लोग थे जब विधान परिषद से सब भाषे पारित हुआ। तो ये लोग क्रेडिट की बात नहीं, मेन जो असल जो हम लोगों का लड़ाई था, जो कमिटमेंट था, वो हम लोगों ने पूरा किया है। अब इसी के आधार पर आगे हम लोग और काम करेंगे। साफ तौर पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो हम लोगों का कमिटमेंट था उसको पूरा किया है और इसके आधार पर आगे काम करेंगे। कैमरामैन राजेश के साथ उपेंद्र स्वात, जी मीडिया सहरसा।